अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती का नेक है, ये वी शेप नेक है। देखिए इस तरह से, तो इस पे हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इसके लिए मैं सिल्क धागा ले रही हूँ। देखिए ये धागा, इसके लिए मैं सिल्क धागा लूँगी और इस धागे के मैं चार लेयर करके डिज़ाइन को बनाऊँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही बारीक होते हैं धागे, तो आप एक दो लेयर करके नहीं बना सकते। तो आप जितना मोटा चाहते हो चार या पांच लेयर करके आप बना सकते हो डिज़ाइन को। ठीक है, और इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 11.07 mm की। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी ये डिज़ाइन है। तो इसी धागे की मैं जो है वाइट कलर लेके वाइट कलर से बनाऊँगी, ताकि डिज़ाइन आसानी से समझ में आए कैमरे पर। मैंने स्लीव से बनाई है, इस कलर की डिज़ाइन बनाई है, तो थोड़ा कैमरे पे कम साफ दिखाई दे रहा है, तो मैंने नेक पे सोचा वाइट कलर में बनाऊं ताकि साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हुए इस तरफ से बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अगर आपकी ये वाली नीडल जो है आसानी से कपड़े में ना जाए, तो आप 12 नंबर की या तो 14 नंबर की भी क्रोशिया यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1-2 चैन लेके थोड़ी सी दूर पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया, 2 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ हम बेस लाइन तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह बनाते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बनाते हुए पहले आ जाती हूँ। तो इस तरह से देखिए नेक के ये बीच तक आ गई हूँ बनाते हुए। तो अभी बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब 3 चैन लेके इस तरफ बनाएंगे, यहाँ पे ये बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 2 चैन लेते हुए इस तरफ भी बनाते जाएंगे पूरे पे। इस तरह से देखिए बीच में ये 3 चैन के साथ है और बाकी सब पे जो है 2-2 चैन के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पूरे पे बेस बन गई है, 2 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ, बस बीच में 3 चैन सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक बना ली हूँ। अब यहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है डिज़ाइन के लिए हम निशान लगा देंगे, ताकि हमारी डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए, बाद में हमें खोलना ना पड़े डिज़ाइन को। अब जैसे कि बीच में हमें एक फूल चाहिए ना, तो सबसे पहले हम बीच में एक निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी, तो इसलिए मैं पीछे से निशान लगाऊँगी, ताकि आसानी हो डिज़ाइन बनाने में। सबसे पहले बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा एक फूल बनेगा, इस तरफ बनेगा, लेकिन इस तरफ से मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इस तरफ से डिज़ाइन को बनाते हुए इस तरह से आएंगे। यहाँ पर एक लगा के फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाले में एक लगा लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से पूरे पे लगाते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवें स्पेस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक इस तरह से लगा लें निशान। अब यहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से करके एक चैन लेके इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, इसमें 2 बार बनाएंगे और एक बार
इसके ऊपर बनाएंगे और फिर इस चैन में भी दो बार बनाएंगे और एक बार इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अगर आप में ना यहाँ तक जैसे आपने निशान लगा लिया, आप में यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप में सब में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बना लीजिएगा। मेरे में दो में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनेगी और यहाँ पे अब एक दो स्पेस छूटेंगे, इसमें जो है फूल बनेगा। तो यहाँ पे अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 पांच चेन लेके एक दो स्पेस को छोड़ते हुए इसमें बनाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे निशान लगा है ना यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3 4 5 पांच डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, फिर पांच चेन लेके 3 4 5 यहाँ पे देखेंगे 1 2 दो स्पेस को छोड़ के ये क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इस चेन में दो बार बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ पे हम 13 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 चेन में दो बार बनाना है, एक बार इसके ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह बना के अब यहाँ पे पांच चेन लेंगे 1 2 3 4 5 और एक दो स्पेस को छोड़ेंगे। यहाँ पे निशान लगाई हूँ ना कि यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे फूल के लिए 2 3 4 5 इस तरह बना के 1 2 3 4 5 चेन लेके इस तरफ 1 2 3 यहाँ पे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी पहली लाइन को पूरी करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ बीच तक बनाते हुए आ गई हूँ, ये बीच में हमारा जो है एक फूल बन गया है। तो इस तरफ निशान नहीं लगाई हूँ, इस तरफ निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे इस तरफ बनाई हूँ ना वैसे ही इस तरफ बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेके एक दो स्पेस को छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस तरफ भी 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरफ देखिए 13 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए जब चार हम स्पेस में बनाएंगे ना 1 2 3 4 चार स्पेस में दो दो सिंगल क्रोशिया करके बनाएंगे और एक एक जो है ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनेगी तो 13 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। इसी तरह से पूरे में इस तरफ भी बनाते हुए आई हूँ। देखिए 1 2 3 4 चार चार स्पेस में ये सिंगल क्रोशिया और फिर ये फूल, फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर ये फूल, इसी तरह से। अब इस तरफ इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे लाइन, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी लाइन कैसे बनेगी वो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बनाते हुए आ गए हूँ। अब आखिरी में एक दो स्पेस को छोड़ते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें दो बार बना लेंगे और फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 5 6 एक बार ये क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे 7। तो यहाँ पे मेरे पास दो चैन थे ना तो दो में 7 सिंगल क्रोशिया बन गई है। और इस तरफ भी देखिए दो ही चैन की स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ तो इस तरफ भी ये चैन को लेते हुए 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनी है इस तरह से। अगर आपकी स्पेस दोनों साइडों में
इस तरफ भी और इस तरफ भी, ज़्यादा होना तो आप सब में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बना लीजिए। अब सीधी तरफ आ जाएंगे एक चेन लेके इस तरह से, और यहाँ पे ये पहले स्पेस पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे पे बनाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे इस तरह से छह सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे पांच चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन लेके इसके ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक बार इसके ऊपर। तो यहाँ पे तीन इस तरह से डबल क्रोशिया बना के फिर तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर इस बार बनेगी तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया। अब पांच चेन लेंगे, टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन लेके एक को छोड़ेंगे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे पे सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन। तो इस बार यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया बनेगी। ये वाला आखिरी वाला गैप है ना, इस पर नहीं बनाएंगे। तो हर बार यहाँ पे दो दो सिंगल क्रोशिया कम होते जाएगी। अब पांच चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे, तो हम अपनी दूसरी लाइन को इसी तरह बनाते हुए पूरे कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गई दूसरी लाइन, यहाँ पे जो है वैसे ही बनेगी पूरी लाइन, जैसे बनेगी ना वैसे यहाँ पे भी बनेगी। तो अब यहाँ पे जो है एक को छोड़ के इस पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, एक जो चेन ली थी ना उसके ऊपर बना लेंगे सिक्स इस तरह से। अब एक चेन लेके इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे पहले वाले स्पेस में बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से इस बार यहाँ पे बनेगी, एक पे नहीं बनाएंगे। हर बार यहाँ पे ऐसे ही बनेगी, एक पे नहीं बनाएंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव चेन लेके इसके ऊपर डबल क्रोशिया, तीनों पे बना लेंगे डबल क्रोशिया, इस पे भी इस पे भी, टू थ्री इस तरह बना के। अब यहाँ पे एक चेन लेके इसके अंदर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह। अब एक चेन लेके इस तरफ इस तीनों पे बना लेंगे, वन टू थ्री, तो इसके ऊपर इस बार इस तरह से बनेगी। अब पांच चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन लेके यहाँ पे एक को छोड़ के दूसरे से शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट नाइन। इस बार यहाँ पे देखिए 9 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब 5 चैन लेके इसके ऊपर इसी तरह से बनाएंगे, तो अपनी तीसरी लाइन को इसी तरह पूरी करेंगे बनाते हुए। इस तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ गई, यहाँ पे एक को छोड़ के इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 इस तरह बना के अब एक चैन लेके यहाँ ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 इसके ऊपर 4 इस तरह से। यहाँ पे इस बार 4 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब 5 चैन लेके 1 2 3 4 5 5 चैन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया तीनों पे बना लेंगे, 2 3। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेके इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना के फिर इस दोनों पे बना लेंगे, 2 3 इस तरह से। अब 2 चैन लेके इस तरफ तीनों पे बना लेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह चौथी लाइन हमारी बनेगी। तो अब 5 चैन लेके 1 2 3 4 5 और एक को छोड़ के इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 इस बार यहाँ 7 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब 5 चैन लेके इस तरफ भी बनाते जाएंगे, तो चौथी लाइन हम ऐसे ही बनाते हुए पूरी करेंगे। इस तरह से हमारी चौथी लाइन पूरी हो गई। अब आखिरी में इसके ऊपर बना देंगे, एक को छोड़ के इसके ऊपर 1 2 3 4 इस तरह बना के अब एक चैन लेके ऐसे आ जाएंगे। पहले के ऊपर बना लेंगे 2 3 3 बना के अब 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन लेके तीनों पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चैन लेके अब इन तीनों पे भी बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे अब एक चैन लेके इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 अब एक चैन लेके इस तीनों पे बना लेंगे, 2 चैन लेके तीनों पे बना लेंगे। इस तरह से इस बार बनेगी इसके ऊपर। अब 5 चैन लेके
यहाँ पे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच बना के अब इस तरफ ऐसे ही बनाते जाएंगे। पांचवी लाइन हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे। अब यहाँ पे आखिरी में बना देंगे एक को छोड़ के इसके ऊपर, टू थ्री, तीन बार बन गई। अब एक चेन लेके ऐसे आ जाएंगे। अब जो है हम छठवीं लाइन बनाएंगे। पांचवी लाइन हमारी इस तरह से पूरी हो गई। पहले पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले पे बना लेंगे। यहाँ पे इस बार दो सिंगल क्रोशिया बनी है। अब पांच चैन लेंगे और इस तीनों पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब दो चेन लेके तीनों पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह अब दो चेन लेंगे यहाँ पे भी और तीन पे इसके ऊपर, ये जो पांच क्रोशिया है ना इसके ऊपर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से अब जो है तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेके इसके ऊपर फिर से हम तीन बना लेंगे, एक इसके अंदर बना के दो इसके ऊपर बना लेंगे। अब दो चैन लेके तीनों पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर दो चैन लेके इस तीनों पे भी बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से अब पांच चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, तीन सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे देखिए छठवीं लाइन हमारी इसी तरह से बनती जाएगी। तो मैं छठवीं लाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे आखिरी में बना लेते हैं। दो सिंगल क्रोशिया बना के अब एक चैन लेके इस तरफ आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह लाइन बन गई है। अब हम सातवीं लाइन बनाएंगे। तो पहले सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के अब पांच चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इस पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे हर बार की तरह। इस तरह से और फिर दो चैन लेके इन तीनों पे भी बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, यहाँ पे भी दो चैन लेंगे और इन तीनों पे बना लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह बना के अब यहाँ पे पांच चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चैन लेके यहाँ पे तीनों पे बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से
फिर दो चैन लेके इन तीनों पे बनाएंगे। अब दो चैन लेके इन तीनों पे भी बना लेंगे। इस तरह से अब पांच चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब पांच चैन लेके इस तरफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरी हो गई डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए ये हमारी सातवीं लाइन इसी तरह से बनती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं लाइन इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आखिरी लाइन हमारी बनेगी, ठीक है। तो मैं ये लाइन पूरी करके फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे आखिरी में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे बन गई। अब हम आखिरी लाइन बनाएंगे, तो एक चैन लेके ऐसे आएंगे और फिर इसी सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 1 2 3 4 5 चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें अब बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 9 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, और इसमें फिर 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 बना के अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीच में जो है 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब इसमें भी 9 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब इसमें 9 बार बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार इसमें भी बना के अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए इसके ऊपर बना लेना है।
अब यहाँ पे दोनों तरफ हम जोड़ देंगे डिज़ाइन को, एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से डिज़ाइन जुड़ जाएगी। अब इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ ना, बिल्कुल से ऐसे ही बनाते हुए इसके ऊपर और सबके ऊपर बनाते हुए अपनी डिज़ाइन को हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है। और देखिए इस तरह ऐसी डिज़ाइन थी ना, अभी इसको सीधी तरफ मैंने कर लिया है, लेस को इस तरह सीधी तरफ करने के बाद यहाँ पे प्रेस करके सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से भी करीब करीब से पूरे पे या तो आप सिलाई लगा दीजिए, फिर या तो आप ऐसे बॉर्डर बना दीजिए अंदर की तरफ। तो मैं थोड़ी सी ये देखिए दूर बॉर्डर को बनाई हूँ, तो अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बताती हूँ किस तरह से आप बना सकते हो। और जैसे यहाँ पे बीच वाले में गैप में सब में 12-12 डबल क्रोशिया बनाते हुए आई हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ये वी शेप नेक है ना, तो यहाँ पे बीच में जो है मैं 15 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अगर आपका राउंड शेप नेक होगा तो आप 12 ही डबल क्रोशिया बनाइए, अगर वी शेप नेक है तो यहाँ पे ज़्यादा डबल क्रोशिया बनाइए। तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया ज़्यादा बनाई है, 15 बनाई है, तो ये वी शेप आ जाएगा नेक। ठीक है, तो ये किस तरह से बॉर्डर बनाते हैं ये अभी देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी लेस दिखेगी, सिंपल सी आप कुर्ती पे बनाइए तो आपकी एक डिज़ाइनर ड्रेस बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है, जब यहाँ पे शुरू किया था ना सिंगल क्रोशिया से अटैच करके, फिर उसके बाद देखिए इसमें बना लेंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बना के अब इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये वाले गैप में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 बना के अब इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, अब इसमें बनाएंगे 5 बार डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से सिंपल सी एक बॉर्डर बना लेंगे। आप अपने तरीके से कुछ और भी बना सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर, 5 बना के यहाँ पे देखिए पीछे से देखेंगे आप यहाँ पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, इस तरह से बनाते जाना है। अब इसमें 5 बार डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हम पूरे पे बना लेंगे बॉर्डर को। तो इस तरह से देखिए एक तरफ का जो है बॉर्डर बन गया है, यहाँ तक आई हूँ बनाते हुए, ये वी शेप नेक है ना, तो इसमें थोड़ा सा अलग बनाएंगे, बाकी आपका अगर राउंड नेक होगा तो आप इसी तरह पूरे पे बॉर्डर को बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, अब इस तरफ यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये वी शेप बन जाएगा। अब इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब इसमें सिंगल क्रोशिया,
इस तरफ इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बीच में भी सेट हो जाएगा। तो मैं इस तरह पूरी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक जो है बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही प्यारी डिज़ाइन दिख रही है। और इस पर मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है, तो डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है ना। बाद में साइडों में मैं इसमें वो जो है सिलाई लगा दूंगी, प्रेस तो मैंने कर लिया है, बाद में साइडों में पूरे पे सिलाई को लगा दूंगी, तो ये जो है लेस बिल्कुल से फिक्स हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग बताइए कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।